नमस्कार फ्रेंड, और आप लोग कैसे हैं? सभी लोग प्लीज इग्नोर कीजिए अवतार को, आज थोड़ा लेट हो गया है वीडियो बनाने में। तो आप सभी लोग कैसे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का चीला कुछ नए ट्विस्ट के साथ। तो मैं सोची कि आपसे ये रेसिपी मैं शेयर करूँ। मैंने वन टाइम बनाया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करूं। आप भी अपने घर पे बनाइए और टेस्ट का मज़ा लीजिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ किया और क्या मैंने ट्विस्ट किया है। तो चलिए हम चलते हैं। तो फ्रेंड, मैंने ये सब पहले से चॉपिंग करके रखा था। तो मैंने एक टमाटर लिया हुआ है जिसे मैंने अच्छे से चॉपर से चॉप कर लिया है, और अब दो अनियन लिया है मैंने, दो कांदा लिया है उसे भी चॉप कर लिया है, और ये गार्लिक और जिंजर है जिसे मैंने सिर्फ बाइट के लिए रखा है क्योंकि इसके बाइट्स आते हैं मुंह में तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने चॉपर से ज़्यादा ये नहीं किया है। और मैंने चीज़ लिया है। इस चीज़ का यूज़ मैं कहाँ करूँगी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी, यही मेरा ट्विस्ट है। और हम इसमें हल्दी ले लेंगे, नमक लेंगे, और ये मेरा अजवाइन है जो इसमें मैं ऐड करूँगी, और बेसन ले लेंगे हम। तो बेसन में हम क्या क्या ऐड करेंगे चलिए मैं इसमें सारी चीज़ें मैं डालती हूँ, और कितनी डालनी है और कितनी यूज़ करनी है मैं आपको बताती हूँ। तो बेसन मैंने 3 कप ले लिया है छोटा कप से, और इसमें अभी हम हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे और अजवाइन डालेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लिया है और हल्दी डाल दिया है, और ये मेरा अजवाइन है, और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। मैंने लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि मैंने चिली अनियन में ही मिक्स कर लिया था चॉपर में, तो मैंने 4 चिली भी ली थी तो उसे थोड़ा थोड़ा मैंने मिक्स कर लिया था। और हम बेसन को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि इसमें कोई भी गाँठे ना रह जाएं। तो हम ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे। तो चलिए मैं बेसन को मिक्स करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसकी मतलब थिकनेस देखिए आप इतना ही रखिए है। और अभी हम अनियन और हमारा टमाटो मिक्स ऐड करेंगे इसमें। तो हम अपना अनियन ऐड कर रहे हैं पूरा, मैंने जो 2 लिया था। आप अनियन डालिए, काफ़ी अच्छा लगता है अनियन डालने के बाद, और उसे खाने में इसमें अनियन जितना रहेगा उतना अच्छा लगेगा। तो हम अनियन भी मिक्स कर लेंगे, और अभी हम अपना टमाटो मिक्स करेंगे इसमें। और अपना जिंजर गार्लिक मैंने मिक्स कर लिया है, तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर ली है। तो अच्छे से हमें इसे मिक्स करनी है, और हमारा चीला बनाने के लिए हमें कितना इसे पतला रखना है। तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और जिसे चीला बनाने के लिए थोड़ा सा पतला लगता है हमें बेसन। तो देखिए आप, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। तो अभी लास्ट में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो स्वाद अनुसार हम नमक ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे फिर से सारी चीजें ऐड करने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना पैन रख दिया है गरम होने के लिए, और वो गरम भी हो गया है। मैंने इसे थोड़ा उसमें ऑयल डाल दिया है मिनिमम 1 चम्मच, और अभी हम अपना चीला डालेंगे और तो इसको थोड़ा सा फैला लेंगे हम अपना चीला। देखिए मैंने अपना ये डाल दिया है चीला और बेसन का, तो अभी इसे थोड़ा पकने देंगे हम धीमी आंच पे, और थोड़ा सा हम इसे ढक देंगे ताकि हमारा जो टमाटो और अनियन है वो अच्छे से पक जाए। तो हम इसको मिनिमम 2 या 3 मिनट ऐसे ढक के रखेंगे, तो बाद में उसे हम पलट देंगे। तो आप इसमें हमारे बेसन के चीले में आप चाहे तो आप अपने वेजिटेबल्स भी चॉपर में चॉप करके डाल सकते हैं, अगर बच्चों को देना होगा तो काफ़ी अच्छा मतलब रेसिपी है ये। तो अगर इसे सुबह नाश्ते में लेंगे तो काफ़ी अच्छा है, चाहे रात में ले, मतलब हम कभी भी हमें भूख लगती है इंस्टेंट, तो काफ़ी अच्छा रेसिपी है, हम इसे ऐसे ही खा सकते हैं।
तो ये काफी अच्छा friends, है। मैंने अपना चीला पलट दिया है तो ये काफी अच्छे से हो गया है। हमें ये जरूरी नहीं कि नॉन स्टिक ही तवा हो तभी हमें मतलब ये सब चीजें बनाने पड़े। तो आप ऐसे लोखंड के भी तवे पे आप बनाएंगे तो काफी अच्छा, मतलब हमें आयरन भी मिल जाता है और काफी अच्छी हो भी जाती है, चिपकता भी नहीं है उस पर और काफी अच्छे से हो जाता है। तो देखिए अभी वन साइड का मेरा हो गया है, अब सेकेंड साइड का भी मैं कर रही हूँ और फिर ये होने के बाद मैं चीज़ का यूज़ कहाँ पे करूँगी फिर मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ये चीला हो चुका है तो अब इस पर हम चीज़ ऐड कर देंगे अपना थोड़ा सा। और फिर हम इसे फोल्ड कर देंगे। एक हाथ से वीडियो बनाना और करना बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो हम इसे फोल्ड कर देंगे, रुकिए मैं आपको फोल्ड करके बताती हूँ। हम इसे फोल्ड कर देंगे चम्मच की मदद से क्योंकि एक हाथ से कैमरा शूट करना और एक हाथ से बनाने में बहुत फर्क होता है। तो हम इसे मेल्ट होने तक थोड़ा सा पका लेंगे, जब चीज़ हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसे तवे पे से उतार देंगे। तो अभी हमारा चीज़ थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं मेल्ट हो गया और ये गर्म है तो ऑटोमेटिक अपना मेल्ट हो जाएगा वो। अब हम इसे तवे पे से उतार देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, इसमें चीज़ काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये काफ़ी गर्म है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छे से मेल्ट हो चुका है चीज़, और आप अपने बच्चों को आराम से खिला सकते हैं। हमारे बच्चे वो सारी चीज़ें खा सकते हैं, आप चाहे तो इसमें वेजिटेबल्स डाल दीजिए, सब कुछ आप ऐड करके अगर आप बच्चों को देंगे तो भी बच्चे हमारे वेजिटेबल्स तो खाते नहीं हैं, तो हम ऐसी चीज़ों में ऐड करके देंगे तो उन्हें वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप ऐसी ये रेसिपी आप घर पर ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छे से देखिए चीज़ मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने बेसन का चीला कैसे बनाया है, तो उसे हम चीजी बेसन चीला भी बोल सकते हैं। तो मैंने उसमें चीज़ डाल के ट्विस्ट कर दिया और आप बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे आराम से खा सकते हैं हमारे। तो आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।